हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की के लिए लिया है मैंने 2 कप बेसन और ये दही है मेरा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, 4-5 हरी मिर्चें, 1 प्याज। चलिए इनकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम हरी मिर्च की कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों किस किस को पसंद है दही फुल्की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं, बहुत स्पाइसी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों एक बार बना करके ज़रूर खाना मेरे तरीके से। ये देखिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ दही फुल्की। दोस्तों हम प्याज की कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए बारीक बारीक प्याज इस तरीके से काट लेना। दोस्तों हम हरा धनिया काट रहे हैं, ये देखिए, और प्याज और हरी मिर्चें हमने काट ली हैं और ये भी हम कटिंग कर रहे हैं, बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने तीनों चीज़ों की कटिंग कर ली है। अब ये हम बेसन में सारी चीज़ें मिलाते हैं। इसमें डाल रहे हैं दोस्तों हम हींग, लाल तीखी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हम सब मिला देते हैं इसमें, ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सारे मसाले हमारे इसमें मिल जाएं। हाथ से मिलाना दोस्तों, चम्मच से या उससे मिलाएंगे तो ये सही से मिल नहीं पाएगा। दोस्तों थोड़ा सा चुटकी भर हम खाना सोडा डालेंगे, इसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, 1 कप पानी लिया है मैंने, और पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं इसे एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। दोस्तों हमने पेस्ट बना कर रख लिया है, ये देखिए हमने इस तरीके से बनाया है। और इसके लिए हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और जब तक हम कर लेते हैं तड़का तैयार। तड़के के लिए लिए हैं हमने 2-3 लहसुन की कलियाँ और 2 लाल मिर्चें। चलिए हम इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमने तड़का भी तैयार कर लिया है, हमने थोड़ी सी प्याज ली है, जीरा लिया, हींग ली है और लहसुन लिया है, लाल मिर्च ली है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में तड़का लगाएंगे। दोस्तों हमने ये दही ले लिया है और दही में हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा वाइट नमक, थोड़ा सा काला नमक, सूखी लाल मिर्च, और इन सब के लिए हम मिला देते हैं।
देखिए दोस्तों हमने सारी चीज़ें मिला दी हैं इसमें। देखिए दोस्तों हमारा तेल है यहाँ पे कढ़ाई में गर्म हो रहा है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा खूब गर्म हो चुका है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इसमें फुल्की तोड़ रहे हैं बेसन की, ये देखिए चम्मच से हल्के हल्के इस तरीके से डालेंगे। दोस्तों हम सारी फुल्कियाँ पलट देते हैं, पलट पलट करके हम सुखा ले सेक लेते हैं अच्छे से। ये देखिए देखिए अच्छे से हमारी सिक गई है ये। दोस्तों हमारी फुल्कियाँ देखिए सारी तैयार हो गई हैं, अब हम इसमें ट्रांसफर करते हैं दही के। देखिए पाँच दस मिनट के लिए हम इन्हें रेस्ट के लिए रख देते हैं, अब तक फूल जाएंगी और हम तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने रख दिया है तड़के के लिए पैन, पैन में कर दिया हमने तेल, चलिए हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। पैन में डाल दिया हमने, अब डालना है हम ये जीरा, इसमें डालना है हम लहसुन, अब इसमें डालना है हम प्याज और इसमें लाल मिर्च डालना है। और ये हींग, दोस्तों हम अब इसमें तड़का डाल देते हैं। तड़का हमेशा ठंडा करके ही डालना, नहीं तो दही फट जाएगा। फाइनली हमारी दही फुल्की हो गई है तैयार। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।